आजकल जमाना बड़ा खिंचाई का है, मतलब कुछ लोग बात को कहां से कहां खींच लेते हैं, कुछ लोग यारी दोस्ती में टांग खींचते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें खींचने की अहमियत बहुत ज्यादा है। मैं हूं मनीष बठाविया एंड यू वॉचिंग द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो। और आज बात एक ऐसे स्पोर्ट की जिसमें अगर आपके पास दम हो, धैर्य हो और तालमेल हो तो सक्सेस आपके पास खींची चली आएगी। अब इतने सारे क्लूज दे दिए तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। ये है मजबूत पकड़, बेमिसाल ताकत और जबरदस्त इंटेंसिटी से भरा खेल, एक रस्सी और उसे अपनी तरफ खींचते खिलाड़ी। यहाँ कोई टाई नहीं, बस हार या जीत, कभी बाजी इस तरफ तो कभी उस तरफ, और इन सबके बीच हर पल बढ़ता रोमांच। ये है टग ऑफ वॉर, जिसे रस्सा कसी भी कहते हैं। ताकत, तकनीक और एकता के इस अनोखे खेल की एक अनोखी विशेषता ये है कि इस खेल में हारने वाली टीम आगे बढ़ती है और जीतने वाली टीम पीछे हटती है। और मैं भी आपको इस खेल का आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ बताने वाला हूँ, फिकर नॉट, जस्ट स्टे विद मी। वैसे आजकल ये खेल भारत के कई इलाकों में बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खेला जाता है, और मान्यता तो ये भी है कि ये खेल भारत की कुछ पुरानी रीति रिवाजों का हिस्सा रहने के बाद आज एक अलग इवॉल्व रूप में हम सबके बीच है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। That's right, it's history time. पुरातत्व ज्ञान हमें बताता है कि टग ऑफ वॉर की कड़ी 12वीं शताब्दी से जुड़ी हुई है। यह राजाओं का अपने योद्धाओं के बल को परखने का एक तरीका था। उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर इस खेल पर आधारित नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि भारत में 12वीं सदी से इस खेल का काफी चलन था। कुछ लोग इसे समुद्र मंथन से भी जोड़कर देखते हैं, जिसमें असुर और देवता वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस खेल के पीछे का इतिहास जो भी रहा हो, मगर वर्तमान में यह खेल भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी खूब खेला जाने लगा है। Now that we are done with history, let's march forward और थोड़ा सा और करीब से इस खेल को जानते हैं। ठीक है, let's talk about the rules, the variations और अलग-अलग तरह के दांव पेच। लेकिन सबसे पहले बात मैदान की। मैदान मैं ध्यान से बताऊंगा, आप भी ध्यान से सुनोगे तो फायदे में रहोगे। टग ऑफ वॉर तीन वेरिएशंस में खेला जा सकता है। पहला इंडोर टग ऑफ वॉर, जो इंडोर हॉल में रबर मैट्रेस पर खेला जाता है, जिसमें पुलिंग सरफेस कम से कम 36 मीटर लंबी और 100 से 120 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। दूसरा वेरिएशन होता है आउटडोर टग ऑफ वॉर, जिसमें यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। पुलिंग एरिया सपाट, समतल और घास से कवर्ड होना चाहिए। खेल का एरिया भी कम से कम 40 मीटर चौड़ा और 34 मीटर लंबा होना चाहिए। और तीसरा वेरिएशन होता है बीच टग ऑफ वॉर, जो रेत पर खेला जाता है। इसमें रेत बिल्कुल महीन और कम से कम 40 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। क्योंकि ये खेल नंगे पैर खेला जाता है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि रेत में कोई नुकीले पदार्थ ना हो। While a lot of you young kids like to say my life, my rules, while that is cool, लेकिन इस खेल के कुछ अलग specific rules हैं। Indoor के अलग, outdoor के अलग। Let's find out. टग ऑफ वॉर दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें हर टीम में 8-8 खिलाड़ी होते हैं और हर टीम का कंबाइंड वजन उस कैटेगरी के लिए तय वजन से ज्यादा नहीं हो सकता। एक मैच में 3 पुल्स होते हैं और जो भी 3 में से 2 पुल्स जीत लेता है वही होता है विजेता। इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लेइंग एरियाज में 3 मार्कर्स होते हैं, पहला सेंटर मार्कर और 2 साइड मार्कर्स, जो सेंटर मार्कर से दोनों तरफ 4-4 मीटर की दूरी पर होते हैं। टग ऑफ वॉर में इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी की सर्कमफेरेंस कम से कम 10 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 12.5 सेंटीमीटर की हो सकती है। रस्सी की लंबाई कम से कम 33.5 मीटर की होनी चाहिए। इंडोर टग ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने वाली रस्सी के बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल बैंड होता है,
और उसकी दोनों तरफ 2.5 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग का बैंड होता है जिसके पीछे से खिलाड़ी रस्सी को पकड़ते हैं। विजेता तब घोषित होता है जब रस्सी के मिडिल मार्कर को जमीन की साइड मार्किंग के पार खींच लिया जाए। मगर आउटडोर टग ऑफ वॉर में जीत के नियम थोड़े से अलग होते हैं। उसमें भी रस्सी के बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल बैंड होता है, लेकिन लाल बैंड से 4 मीटर दोनों तरफ एक हरा बैंड होता है और हरे बैंड से 1 मीटर दूर एक अलग कलर का बैंड जहां से खिलाड़ी रस्सी को पकड़ते हैं। जीत तब निर्धारित होती है जब रस्सी की हरे रंग की साइड मार्किंग को जमीन की सेंटर लाइन के पार खींच लिया जाए। Some of you might think, यार ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बहुत बड़े-बड़े मसल्स हो, फुल बाहुबली टाइप्स, ताकतवर। हाँ, ये खेल ताकत का है, लेकिन उसके साथ-साथ टेक्निक और सूझबूझ भी उतनी ही जरूरी है। और अगर उसके साथ रिदम और कोऑपरेशन मिल जाए, तो फिर हो जाएगी आपकी वाह भाई वाह, है? It's a bit like an orchestra. इस खेल में हर टीम में एक ड्राइवर होता है जो टीम को मोटिवेट करता रहता है और बताता रहता है कि कब रस्सी खींचनी है और कब पैर गड़ाकर रुक जाना है। जैसे ही वो देखता है कि दूसरी टीम थक रही है, वो फिर से अपनी टीम को जोर से रस्सी खींचने के लिए मोटिवेट करता है ताकि वो दूसरी टीम का एडवांटेज ले सके और जीत सके। अक्सर टीम के सबसे ताकतवर मेंबर को सबसे पीछे रखा जाता है, जिसे एंकर मैन भी कहा जाता है। सबसे ताकतवर मेंबर को एंकर मैन बनाने का यही फायदा होता है कि उसके फिसलने के चांसेस सबसे कम होते हैं, और अगर वो सबसे पीछे डटकर खड़ा रहता है तो पूरी टीम का बैलेंस बना रहता है। Time now for a hashtag did you know? भारत में पहली बार टग ऑफ वॉर की फेडरेशन 1958 में आर्म फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर बनाई, लेकिन इस खेल को तेजी तब मिली जब 90s में TWFI यानी कि टग ऑफ वॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया को जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना मेंबर बनाया। याद रखना, भारत से चलकर ये खेल कई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी पहुंचा, जहां इस खेल की फेडरेशन बनी और भारतीय खिलाड़ी बायलैटरल खेलों के लिए भी जाने लगे। 2003 में टग ऑफ वॉर को अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने TWIF यानी कि इंटरनेशनल टग ऑफ वॉर फेडरेशन को ऑफिशियल मान्यता प्रदान की। ये खेल 1900 से लेकर 1920 तक ओलंपिक खेलों में भी शामिल था और आज ये खेल 71 देशों में खेला जाता है। 2005 में TWFI ने TWFI चैंपियनशिप्स भी कराई, जिसमें इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के 300 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, साल 2006 में टग ऑफ वॉर को साउथ एशियन गेम्स में एज ए डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट भी शामिल किया गया। अब तो टग ऑफ वॉर भारत के कोने कोने में खेला जा रहा है, लेकिन आप याद रखना, वर्ड ऑफ कॉशन, बिना किसी प्रॉपर कोच के इस खेल को खेलने की कोशिश मत करना। कहना बिना कोच की गाइडेंस के अक्सर खिलाड़ी कोचा रह जाता है, और हाँ, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। आजकल दुनिया भर में अलग अलग लेवल पर टग ऑफ वॉर के न जाने कितने कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ 100% इंडियन स्पोर्ट। ऐसे किसी इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की कहानी लेकर आई बी बैक वेरी सून ऑन फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अंटिल देन, फिटनेस का दामन अब पकड़े रहना, छोड़ना नहीं।